हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे जो हम लोग के एडजियल स्केलेटन की बोन है रिब्स, उस रिब्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। एडजियल स्केलेटन की जो बोन होती है उसमें स्कल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, साथ ही साथ स्टर्नम के बारे में भी पढ़ चुके हैं। ये एडजियल स्केलेटन का अगला पार्ट है जो है रिब्स। तो रिब्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, और यदि आप हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक रिब्स। देखिए, सबसे पहले हम रिब्स की बात करें तो रिब्स हमारे थोरैक्स में प्रेजेंट होता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? थोरैसिक कैविटी जो होती है हम लोग की, उस थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है रिब्स। टोटल हम लोग के 24 रिब्स होते हैं। कितने रिब्स होते हैं? 24, 12 पेयर में होते हैं। 12 पेयर मतलब एक साइड 12 होता है, एक साइड 12 होता है, तो टोटल कितने हो गए? 24 हो गए। इस रिब्स का कार्य क्या होता है? मोस्टली यानी मुख्य रूप से इस रिब्स का काम होता है प्रोटेक्शन देना। किसको प्रोटेक्शन देना? हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट जो अंग है हार्ट, उस हार्ट को क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। साथ ही साथ हमारे लंग्स को प्रोटेक्शन देता है। उसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको प्रोटेक्शन देने का कार्य करता है रिब केज। रिब केज मतलब जो रिब होता है वो मिलकर क्या बनाता है? रिब केज बनाता है, यानी एक रिब्स का पिंजरा बनाता है। पिंजरा देखा है ना, जैसे पिंजरा बनता है वैसे ही रिब्स क्या करता है? पिंजरा बनाने का कार्य करता है। रिब्स हमारा सामने साइड में स्टर्नम से अटैच होता है, यानी अगर हम अपने आगे की बात करें, यानी यहाँ पे बीचों बीच में हम लोग का क्या होता है? स्टर्नम बोन होता है। स्टर्नम बोन हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है? उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो स्टर्नम बोन हम लोग के बीचों बीच में होती है। इस स्टर्नम बोन से हम लोग के रिब्स क्या होता है? फ्रंट साइड में कनेक्ट होता है, और बैक साइड में यानी पीछे के साइड में हम लोग के वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट होता है, जुड़ा होता है, ठीक है? इस प्रकार बीच में क्या होता है? रिब केज बनाता है, जिसमें हम लोग का लंग्स और हार्ट और कुछ महत्वपूर्ण ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? अटैच होती हैं। रिब्स को उसके अटैचमेंट के आधार पे तीन भाग में डिवाइड किया गया है, यानी रिब्स का जो अटैचमेंट है, जो स्टर्नम से जुड़ा हुआ है, उसके जुड़ने के आधार पर उसको तीन भाग में बांटा गया है। कौन कौन से? एक ट्रू रिब्स, एक फॉल्स रिब्स, एक फ्लोटिंग रिब्स, इन तीन भागों में उसको बांटा गया है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं क्या है और रिब्स के बारे में। देखिए, इट इज अ लॉन्ग कर्व बोन, यानी ये लंबी बोन है। रिब्स कैसी बोन है? लॉन्ग बोन है। यदि कोई कहता है कि रिब्स कैसी बोन है? लॉन्ग बोन है, लेकिन लॉन्ग बोन होने के साथ साथ ये कैसी बोन है? कर्व बोन है। कर्व मतलब मुड़ा हुआ। रिब्स आपका लगभग ऐसी होती है, ठीक है? रिब्स को यदि आप देखें तो रिब्स का स्ट्रक्चर आपका ऐसा होता है, ठीक है? तो रिब्स लॉन्ग और कर्व बोन है, ठीक है? इट फॉर्म रिब केज, यानी ये रिब केज फॉर्म करने का काम करती है। रिब केज मतलब पिंजरा बनाने का काम करती है, ठीक है? पिंजरा बनाने का काम करती है। किसका? रिब्स का पिंजरा बनाने का काम करती है। इट अरेंज्ड इन 12 पेयर्स, यानी ये 12 पेयर में क्या होती है? व्यवस्थित होती है, स्थित होती है, ठीक है? एक साइड 12 होता है और एक साइड 12 होता है, टोटल मिला के 24 रिब्स हो जाते हैं, ठीक है? बीच में यहाँ पे स्टर्नम होता है, पीछे साइड वर्टिब्रल कॉलम होता है, सेम उसके सिधाई में, ठीक है? अगला पॉइंट है ऑल रिब्स अटैच टू द थोरैसिक वर्टिब्रा, यानी जितने भी रिब्स हैं वो सभी किससे अटैच होते हैं? थोरैसिक वर्टिब्रा एट द बैक, यानी बैक साइड में, बैक साइड में सभी रिब्स किससे अटैच होते हैं? थोरैसिक वर्टिब्रा से अटैच होते हैं। एंड 7 पेयर रिब्स फॉरवर्ड टू द स्टर्नम, यानी आगे की तरफ 7 रिब्स स्टर्नम से अटैच होते हैं। क्यों? 7 रिब्स आगे की साइड अटैच हैं, बाकी के रिब्स कहां गए? ये 7 पेयर में, ध्यान दीजिएगा 7 पेयर, बाकी कितना हो गया? 7 × 10 और प्लस 2, ये कहां गया? ये कहां गया? यानी 5 पेयर रिब्स कहां गया आपका? तो 5 पेयर में से रिब्स जो 3 पेयर रिब्स होता है वो इनडायरेक्टली स्टर्नम से अटैच होता है, और जो 2 रिब्स होते हैं वो अटैच नहीं होते स्टर्नम से, जिन्हें आप फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, ठीक है? यानी वो ऐसे तैरते रहते हैं। अभी आपको हम आगे बता रहे हैं, ठीक है? तो ये क्या हो गया? 7 पेयर रिब्स अटैच टू फॉरवर्ड टू द स्टर्नम, ठीक है? अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिब्स, यानी रिब्स के क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं, इनको देख लेते हैं। तो देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ रिब्स डिपेंडिंग ऑन देयर अटैचमेंट,
इनके अटैचमेंट के आधार पे हम इनको क्लासिफाइड करेंगे। तो इनके अटैचमेंट के आधार पे हम इनको तीन भाग में क्लासिफाइड करेंगे, कौन कौन से, पहला है ट्रू रिफ्स, दूसरा है फॉल्स रिफ्स और तीसरा है फ्लोटिंग रिफ्स। ट्रू रिफ्स की बात करें, ट्रू मीन्स क्या होता है, सत्य होता है, सही होता है, यानी ये जो रिफ्स होते हैं एकदम सही तरीके से क्या होते हैं, स्टर्नम से अटैच होते हैं, ठीक है। तो देखिए अपर सेवन पेयर रिफ्स विच आर अटैच टू द स्टर्नम डायरेक्टली, यानी ऊपर के जो सेवन पेयर रिफ्स होते हैं, जैसे मान लीजिए इधर हम लोग का स्टर्नम है, ये स्टर्नम है, ठीक है। तो स्टर्नम से अपर साइड के सेवन रिफ्स यानी 1 2 3 4 5 6 7, ये सेवन पेयर रिफ्स ऊपर साइड में डायरेक्टली किससे अटैच होते हैं, स्टर्नम से अटैच होते हैं, डायरेक्ट रूप से क्या होते हैं, स्टर्नम से अटैच होते हैं, यानी इधर से वर्टिकल कॉलम से आए जुड़े हुए और इधर एकदम डायरेक्ट स्टर्नम से अटैच है, ठीक है, दोनों साइड के रिफ्स ऐसे 3 4 5 6 7, यानी ये रिफ्स कैसे डायरेक्ट रूप से स्टर्नम से अटैच है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, ट्रू रिफ्स कहेंगे, ठीक है। अपर सेवन रिफ्स सात ऊपर के रिफ्स, ठीक है। फॉल्स रिफ्स किसे कहेंगे, तो फॉल्स रिफ्स क्या है, लोअर थ्री पेयर रिफ्स, यानी जो अपर रिफ्स हैं उनके नीचे के थ्री पेयर रिफ्स, लोअर थ्री पेयर रिफ्स विच आर अटैच टू द स्टर्नम इनडायरेक्टली, जो स्टर्नम से इनडायरेक्टली अटैच होते हैं, यानी वो कैसे अटैच होते हैं, ये जो सेवन वाली रिफ्स होती है इसी सेवन वाली रिफ्स से अटैच होते हैं तीन रिफ्स, ठीक है, ऐसे। तो तीन रिफ्स ऐसे इनडायरेक्टली अटैच हो जाते हैं स्टर्नम से, ठीक है, किसके थ्रू, जो हम लोग का सेवन पेयर वाला रिप्स है, सातवां रिप्स है, उससे इनडायरेक्टली अटैच हो जाते हैं, ठीक है। फ्लोटिंग रिप्स की बात करें, तो फ्लोटिंग रिप्स लोवेस्ट टू पेयर रिप्स, यानी सबसे नीचे वाले दो पेयर रिप्स क्या होते हैं, विच आर नॉट अटैच टू द स्टर्नम, जो स्टर्नम से अटैच नहीं होते हैं, ठीक है, ना ही डायरेक्ट अटैच होते हैं ना ही इनडायरेक्ट अटैच होते हैं, वो एकदम अटैच ही नहीं होते, नीचे के दो पेयर रिप्स, यानी वो ऐसे हवा में ऐसे तैरते रहते हैं दोनों साइड, ठीक है। पीछे साइड में अटैच रहेंगे, पीछे साइड में वर्टिकल कॉलम से अटैच रहेंगे, आपको पहले ही बता दिए हैं कि जो 12 12 पेयर रिप्स होते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा से क्या होते हैं, अटैच होते हैं, आर अटैच टू द थोरेसिक वर्टिब्रा, यानी थोरेसिक वर्टिब्रा से 12 को रिप्स क्या होते हैं, अटैच होते हैं, लेकिन बैक साइड में, लेकिन जो फॉरवर्ड साइड में आगे की तरफ स्टर्नम से अटैचमेंट की बात करें, तो स्टर्नम से डायरेक्टली रूप से बस 7 रिप्स अटैच होते हैं, इनडायरेक्टली रूप से 3 रिप्स अटैच होते हैं और 2 रिप्स अटैच नहीं होते, 2 पेयर मतलब 2 पेयर में रिप्स जो होते हैं वो अटैच नहीं होते, पीछे बस वर्टिब्रल कॉलम से अटैच होते हैं जिसमें थोरेसिक वर्टिब्रा से अटैच होते हैं, ठीक है। तो ये रहा रिप्स का आपको एक इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब इसका बचा है स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, वीडियो कुछ छोटा छोटा रहेगा, आपको पढ़ने में भी आसानी रहेगी, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा पढ़ने में, ठीक है। तो इसको आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, जो भी यहाँ पर हम नोट करते हैं वो आप यहाँ पर पढ़िए, फिर अपना खुद का नोट्स बनाइए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम पॉइंट लिखते हैं वो सब क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही होते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा, जो भी बताए होंगे उम्मीद करते हैं आपको एकदम अच्छे समझ में आया होगा, यदि कुछ नहीं समझ में आता है या फिर आपको कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या फिर आपको किसी और सब्जेक्ट पे किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हमको इस सब्जेक्ट पे इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उस टॉपिक पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, और यदि आप हमारे चैनल पर नए नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो, धन्यवाद।